इन बहादुर सिपह सालारों के हाथ तो देखिए। भले ही इन हाथों ने असली हथियार न उठाए हों, मगर किस अंदाज से इस चौकोर मैदान जंग में अपनी फौजें आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जंग कौन सी असली है? यहां न खून की नदियां बहेंगी, न सरधड़ की बाजी लगेगी और न ही किसी सल्तनत का पांसा पलटा जाएगा। राष्ट्रीय मानांकन व अंडर 15 शतरंज प्रतियोगिता दिनांक 28 से अमरावती में शुरू हो गई है। अमरावती चेस अकादमी की ओर से अमरावती चेस एसोसिएशन, महाराष्ट्र चेस एसोसिएशन व ऑल इंडिया चेस एसोसिएशन के मार्गदर्शन में आज दिनांक 28 से 30 अक्टूबर तक शहर के इतिहास में पहली बार स्वर्गीय वेदा दिनेश खापड़े की स्मृति में अंतरराष्ट्रीय मानांक व अंडर 15 महाराष्ट्र सिलेक्शन शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन बदनेरा स्थित सिपना अभियांत्रिकी महाविद्यालय में किया गया है। ये प्रतियोगिता सुबह 10 बजे शुरू हुई है। समाचार संकलन अशोक भाई जोशी। नमस्कार, मी दिनेश यशवंतराव खापर्डे। ही बुद्धिबळ स्पर्धा जी अमरावती सिपना अभियांत्रिकी महाविद्यालयात येथे आयोजित केलेली आहे, या हॉलमध्ये 165 विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन प्रवेश केलेला आहे। हे ओव्हरऑल महाराष्ट्रातून आलेले आहेत। मुंबई, पुणे, नाशिक, पालघर या ठिकाणाहून विद्यार्थी आलेले आहेत आणि सगळे मेरिट स्टुडंट्स ऑफ द चेस टूर्नामेंट आहेत। आणि यापैकी जे मुलं आणि मुली अंडर 15 या वयोगटातीलच ही स्पर्धा आहे। अंडर 15 वयोगटातील मुलांसाठी आणि मुलींसाठी ओपन कॉम्पिटिशन, चेस कॉम्पिटिशन आहे। आणि यामध्ये जे प्रथम चार मुलं येतील आणि ज्या प्रथम चार मुली येतील त्यांची नवी दिल्ली येथे राष्ट्रीय चेस टूर्नामेंटसाठी डायरेक्ट निवड होणार आहे। मी दिनेश खापर्डे, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? मैं नीरज उपाध्याय हूँ। नीरज उपाध्याय जी, क्यों आए यहाँ पर? बच्चों की चेस के टूर्नामेंट शुरू है। अच्छा, तो काफ़ी बच्चे आए हुए हैं। आपका बच्चा भी हिस्सा ले रहे हैं? जी सर। बहुत अच्छा, कहाँ से है आप? मैं प्रॉपर अमरावती से। प्रॉपर अमरावती से। यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी आपको? बहुत ही अच्छी व्यवस्था। बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक भाई नमस्कार। शतरंज के बारे में केवल इतनी जानकारी है कि शतरंज संघ जो है उन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ी टूर्नामेंट का आयोजन किया है। उसमें सिपना एज सच सिर्फ जगह उपलब्ध करने का जवाबदारी हम लोगों ने ली है, बाकी क्रीड़ा का आयोजन उनकी जो संगठना है उन्होंने ही किया है। वो संगठना के पदाधिकारी हम लोगों के पास आए, हमें जगह चाहिए, योगायोग जगह उपलब्ध थी, उन्हें दिखाई गई जगह, उन्हें पसंद आई और सिपना में यह टूर्नामेंट हो रहा है। इसमें सिपना का इस टूर्नामेंट में वैसा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इतना ही है कि सिपना ने जगह उपलब्ध करा दी है, इतना ही इन्वॉल्वमेंट सिपना का है। सभी खिलाड़ी यहाँ पर आए, उनकी व्यवस्था करने का प्रयत्न हम लोगों के माध्यम से होगा और सिपना की ओर से सारे खिलाड़ियों का स्वागत और उन लोगों की स्पर्धा के लिए शुभेच्छा, इतनी ही भूमिका। धन्यवाद।